स्पीच लाने की जर्नी लंबी हो सकती है लेकिन मुश्किल नहीं। अगर आप भी अपने बच्चे की स्पीच पर काम कर रहे हैं और खेल खेल में स्पीच कैसे डेवलप करना है ये जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। Hi and welcome back to Sayam. Thank you so much for watching our videos, for commenting on it, and for motivating us constantly for creating more content. Speech therapy at home की series में we hope कि आपने पिछले दो videos जरूर देखे होंगे। अगर आपने उन्हें miss कर दिया है तो we would really request कि पहले आप उन videos को जरूर देखें। उसका link आपको description में मिल जाएगा। So पहले video में हमने बच्चे की pre-speech requirements पे काम किया, जिसमें हमने जाना कि उसका सिटिंग बिहेवियर कैसे इम्प्रूव करना है और साथ ही साथ इमिटेशन से रिलेटेड कुछ मजेदार एक्टिविटीज किए। सेकेंड वीडियो के अंदर हमने बच्चे की ओरो मोटर एक्सरसाइजेस पे काम करना सिखाया, जिसमें हमने देखा कि टंग एक्सरसाइजेस, जॉ एक्सरसाइजेस, माउथ एक्सरसाइजेस किस तरीके से करनी है और उसके बाद ब्लोइंग से रिलेटेड कुछ फन एक्टिविटीज को हमने अंश के साथ किया। आज के वीडियो में हम बच्चे की साउंड कैसे लानी है इस पर काम करेंगे, पर सबसे पहले हमें बच्चे की अटेंशन ग्रैब करनी है। अगर आई कांटेक्ट नहीं है बच्चे का और अटेंशन आपकी तरफ नहीं है तो आप स्पीच पर काम करेंगे वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो बच्चे की अटेंशन ग्रैब करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढें। ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो बच्चे को बहुत पसंद है, जो उसकी पसंद की चीज है, जिससे बच्चा फिक्सेशन है, उसका कुछ लगाव है, ऐसी चीज को आइडेंटिफाई करें। अगर आप वो जानते हैं ऑलरेडी तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो 4-5 ऑब्जेक्ट्स, वो टॉयज भी हो सकते हैं, क्ले हो सकती है, ऐसी कोई टॉय हो सकता है या घर की चीज हो सकती है जिसे बच्चा पसंद कर सकता है, आप उसके सामने वो 4-5 चीजें रख दीजिए और देखिए बच्चा किसको पिक करता है। जो भी चीज, जैसा हमने अपने संयम के साथ में ये काम किया था तो एक उसकी कार थी जो उसे बहुत पसंद थी, उसने जब वो पिक किया तब हमने उस ऑब्जेक्ट से शुरुआत की। इसी तरह आप बच्चे का जब आइडेंटिफाई कर लेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट और उसको मूव करना स्टार्ट करेंगे तो उसको ट्रैक करते हुए बच्चा अटेंशन पे करेगा आपकी तरफ और जब आप उसको अपनी आईज और फेस के ऊपर लाएंगे तो बच्चा आपको आई कॉन्टैक्ट देने लगेगा। ये एफर्टलेस तरीका है बच्चे की अटेंशन ग्रैब करने का और आई कॉन्टैक्ट लाने का। एक बार आई कॉन्टैक्ट इस्टैब्लिश हो जाए तो आप बच्चे की स्पीच के ऊपर अब काम शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट विद सिंपल वाउल साउंड। जैसे संयम का ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट थी तो एक कार, लेकिन कार बोलना थोड़ा मुश्किल था इसलिए हमने पी 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 कार का जैसे हॉर्न का साउंड होता है उस साउंड से उसे रिलेट करवाया। तो एवरी टाइम वो कार दिखाते थे तो हम पी 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 उस साउंड पर फोकस करते थे। जब आपने इस तरह के वाउल साउंड अपने ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में लगाएंगे, ऑलवेज रिमेम्बर आपका माउथ आर्टिकुलेशन एग्जैजरेटेड होना चाहिए, यानी कि काफी बड़ा मुंह खोलकर आपने ये चीजें बोलनी है ताकि बच्चा आपको देख सके, ऑब्जर्व कर सके और सीख सके। सिंपल साउंड्स जैसे आ ई ओ उ पा मा बा दा, ये ऐसे सिंपल साउंड से आप शुरुआत कर सकते हैं जो बच्चे को इंटरेस्टिंग लगेंगे। और उसके लिए ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा आप टॉयज, एनिमल्स और भी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट या आसपास की चीजें जो आप घर में ही बच्चा देखता है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे बा साउंड कराने के लिए हमने शीप, एक टॉय शीप था उसको यूज करते थे और शीप को जब लाते थे तो बा बा साउंड बोलता था। इस तरह से हमने संयम को स्पीच कराना शुरू किया। एक एरोप्लेन से आप ए नाउ व्हाट ही इज ट्रैकिंग इज एरोप्लेन मूव कर रहा है और जैसे जैसे वो मूव कर रहा है वैसे वैसे वो ट्रैक करता जा रहा है और साउंड को नोटिस करता जा रहा है।
तो एग्जैजरेटेड वाइड ओपन माउथ के साथ तो बच्चे के साथ काम करना जरूरी है ही, लेकिन साथ में कुछ और चीजें हैं जिसके साथ अगर आप बच्चे के साथ काम करते हैं तो वो और ज्यादा फन फील्ड एक्टिविटीज हो जाएंगी। जैसे जब आप बच्चे को बोलना सिखा रहे हैं, मान लीजिए आप बच्चे को आ बोलना सिखा रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं आ, उस समय बच्चे का हाथ पकड़ के अपने गले पे यहां रखें। आप अगर इसको अभी करके देखते हैं, आ बोले और अपना हाथ यहां पे रखें, तो आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगी। ये वाइब्रेशन हमने बच्चे को महसूस करानी है। तो जब आप बोल रहे हैं तो बच्चे का हाथ आपने अपने गले पे रखा, बोला बच्चे को ये वाइब्रेशन, साउंड की वाइब्रेशन को महसूस करने दीजिए। और जब बच्चे को आप प्रॉम्प्ट करेंगे बोलने के लिए, तो फिर बच्चे का हाथ पकड़ेंगे और उसके गले पे रखेंगे और उसको अपने गले से जो साउंड निकालने की कोशिश कर रहा है, जो वाइब्रेशंस आ रही है उसको महसूस करने दीजिए। बच्चे के ब्रेन में कहीं ना कहीं वो चीजें, एक वो कनेक्शन डेवलप होगा कि वही वाइब्रेशन पहले पापा के गले में या मम्मी के गले में या स्पीच थेरेपिस्ट के गले पे उसने फील की थी, वही वाइब्रेशन अब वो यहां पे फील कर पाएगा। तो संयम के साथ इस चीज ने काफी काम किया था, आप भी इसको जरूर ट्राई करें। इसके अलावा एक और चीज है जो आप कर सकते हैं जिससे एक्टिविटीज और ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएंगी और फन फील्ड हो जाएंगी। जब आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस समय एयर भी थ्रो कर रहे हैं माउथ से, तो आप बच्चे का हाथ अपने मुंह पे ले जाके, जब आप आ प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हाथ अपने मुंह पे ले जाके ऐसे कर सकते हैं। एक बहुत पुरानी एक्टिविटी है जो हम भी अपने बचपन में किया करते थे और बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो आप ये इस एक्टिविटी के थ्रू आप इस आप जो साउंड्स निकाल रहे हैं वो मजेदार भी हो जाते हैं। बच्चे का हाथ पहले आप अपने हाथ को अपने माउथ पे ले जाके कर सकते हैं, वाह 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 वाह। बच्चे की अटेंशन जब आपके पास आ जाए तो बच्चे का हाथ पकड़िए और अपने माउथ की तरफ ले जाके करिए, वाह 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 वाह। ये एक्टिविटी बच्चे के लिए एक प्रॉम्प्ट की तरह भी काम करेगी। सो जब भी आप अपना हाथ अपने माउथ की तरफ ले जाके वाह 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 ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे और फिर बच्चे के माउथ पे ले जाके आप अपना हाथ बच्चे के माउथ पे ले जाके जब आप ऐसे ऐसे करेंगे तो बच्चे को ये महसूस होगा, एक अर्ज महसूस होगी साउंड निकालने की, ताकि ये वाला जो साउंड है इस साउंड को वो निकाल पाए, इस साउंड को महसूस कर पाए फिर से। तो ये एक प्रॉम्प्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रॉम्प्ट को आप यूज करें। आपने इस प्रॉम्प्ट को हर बार, जब भी आप ये साउंड बच्चे को प्रैक्टिस करा रहे हैं, हर बार जब आप एक बार निकाल चुके हैं साउंड, हर बार आपने बच्चे के माउथ पे अपना हाथ ले जाना है और ऐसे करना है, चाहे बच्चा बोल रहा है नहीं बोल रहा है उस टाइम, चाहे एक बारी में साउंड ना निकले, दो बारी में ना निकले, इट इज पॉसिबल कि कुछ बार साउंड ना निकले, आपने वहां पे अपना पेशेंस लूज नहीं करना है और बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो ये साउंड निकाल सके। तो डोंट लूज योर पेशेंस एंड कीप ट्राइंग दिस। स्पीच की एक्टिविटीज जरूरी नहीं है कि हमेशा आप एक जगह बैठकर ही जैसे बाकी एक्टिविटीज करते हैं वैसे करें, बल्कि स्पीच लाने के लिए आप रोजमर्रा के काम करते हुए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एग्जैजरेटेड माउथ एक्सप्रेशंस दें और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप वो वॉवल साउंड्स जिनसे आपने शुरुआत की है या अभी जो बच्चे को सिखा रहे हैं वो बच्चे की वोकैबुलरी में इंट्रोड्यूस करते जाएं। जैसे अब हम पानी पिएंगे, अब हम कोम करेंगे, अब हम सोप लगाएंगे। इसमें बच्चा एक्टिविटी करते हुए भी आपको देख रहा है, उसका यूज सीख रहा है चीजों का, और आपके माउथ एक्सप्रेशंस एग्जैजरेटेड साउंड और एक्सप्रेशन से उस साउंड से कनेक्ट कर रहा है। डोंट वरी, हो सकता है बच्चा अभी एकदम रिस्पॉन्ड ना करे, मगर विद टाइम ये इंफॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में सिंक हो रही है, उसे धीरे धीरे जरूर समझ आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इस वोकैबुलरी को आप धीरे धीरे, और लंबी इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी है, इस वोकैबुलरी को आपने धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना है और सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करने हैं। जब हम संयम के साथ स्पीच पे काम कर रहे थे तो एक राइम ने हमें काफी हेल्प किया, वो थी ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म। और राइम की जो धुन है वो इतनी प्यारी है कि उसको
बच्चा बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता है, और जब उसमें ई आ हो ये बोलते हैं तो वो साउंड बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे एनिमल्स का उसमें साउंड है, हाउ डज काउ सेज, काउ सेज मू, शीप सेज बा, तो ये सारे के सारे साउंड्स कहीं ना कहीं जो हम वॉवल साउंड बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो साउंड्स मैक्सिमम वहां पे यूज भी हो रहे हैं एक म्यूजिकल जर्नी के साथ। सो वो आप बच्चे के साथ ट्राई कर सकते हैं, बच्चे उस एक्टिविटी को बहुत मजे से करेंगे। एनिमल साउंड्स और व्हीकल्स के साउंड्स, जैसे संयम को जिससे हमने सिखाया कार, उसके पास एक टॉय था कार से हमने पी पी सिखाया उसको, फिर एक एरोप्लेन था उसके साथ आ ये वाला साउंड हमने सिखाया। इसी तरीके से एक एनिमल टॉय सेट था संयम के पास, एनिमल टॉय सेट में बहुत सारे एनिमल्स थे। तो एक फन फील्ड एक्टिविटी आपको बताने जा रहा हूँ जिसको आप बच्चे के साथ कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। अब मान लीजिए मेरे पास एक हाथी है और साथ में एक कोई भी एनिमल ले लीजिए, लेट्स से एक डियर। तो हाथी और डियर साथ में जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, अचानक से डियर गिर गया और डियर क्या बोला, अरे उसे तो चोट लग गई। अब हाथी उसके पास आएगा, हाथी ने उसको क्या पिलाया, पानी। ओ ये क्या हुआ, हाथी भी गिर गया और उसको चोट लगी, ये क्या हुआ, हाथी कैसे आवाज निकालेगा, अब वो दोनों मिलके डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हिरन को इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन लगा तो हिरन को क्या हुआ, पेन, कैसे पेन हुआ, तो कुछ भी इस तरह से आप स्टोरीज बना सकते हैं छोटे छोटे टॉयज को लेके, एनिमल्स को लेके, वट एवर द चाइल्ड लाइक्स। सो इससे एक्टिविटीज बोरिंग भी नहीं होती और बच्चे का इंटरेस्ट बहुत जल्दी एक्टिविटीज की तरफ आ जाता है। अब जब बच्चे के साथ ये प्ले वाली स्टोरी टेलिंग वाली एक्टिविटी आप एक बार कर चुके हैं, अब इसको फिर से रिपीट करेंगे और बोलेंगे एलिफेंट और डियर साथ में जा रहे हैं और डियर गिर गया और वहां रुक जाएंगे। अब क्योंकि बच्चा ऑब्जर्व कर चुका है डियर करता है तो क्या बोलता है, अब वहां पे वेट करेंगे और बच्चे के बोलने का वेट करेंगे, ई, डियर को क्या लगी, चोट लगी, चोट लगी कि तो क्या हुआ, ई। सो ये एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट भी बन जाएगा, स्टोरी बनाई, स्टोरी बना के रुके, बच्चे के रिस्पॉन्स का वेट किया। संयम के साथ ही बहुत काम किया था जब हम वेट करते थे, और जब उसका फेवरेट पार्ट था कि जब हम डॉक्टर के पास जाते थे और डॉक्टर इंजेक्शन लगाता था तो एलिफेंट क्या बोलेगा, ई। सो इस तरीके से संयम ने एक्सप्रेशंस भी सीखे और साथ साथ में जो वोवल साउंड्स हम सिखाने की कोशिश कर रहे थे वो बहुत अच्छे तरीके से सीखे। अगर आपने अभी तक हमारा लर्निंग टू लाइफ का लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज नहीं किया है तो वहां पे जरूर जाइएगा। थिंग्स अराउंड अस नाम का एक पैकेज है, उस पैकेज के अंदर कुछ एक्टिविटीज हैं जो एनिमल्स और व्हीकल साउंड्स के साथ डील करती है, तो आप उनको यूज करके बच्चे को एनिमल और व्हीकल साउंड्स बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। क्लिक द पिक्चर ऑफ एनिमल टू हियर इट्स साउंड। Recognize the sound and click the right image. Great work! Click the picture to hear its sound. Recognize the sound and click the right image. Great work! एक और मॉड्यूल है जो एक्सप्रेशंस के नाम से आपको मिलेगा, जिसमें जो हम साउंड्स की बात कर रहे हैं, अगर स्माइली है वहां पे कैरेक्टर, स्माइली को अगर इंजेक्शन लगेगा तो वो क्या बोलेगा, ई। इंजेक्शन, स्माइली फील्स पेन, ई। स्माइली अगर हंस रहा है, उसको कोई चीज पसंद आई तो कैसा साउंड निकलेगा, हा हा हा। तो ये साउंड्स आपको वहां भी बहुत अच्छे से सीखने को मिलेंगे। Laughing. जरूरी नहीं है कि बच्चा हर प्रॉम्प्ट पर रिस्पॉन्ड करे, हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा अपनी पेस पर सीखता है, हो सकता है एक दिन, दो दिन, एक महीना, हर बच्चे की जर्नी अलग होती है, पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको लगातार ये साउंड्स पर प्रैक्टिस कराती रहना है और
बच्चे के साथ बातचीत करते रहना है इंटरेस्टिंग और फन वे में। एक दिन आपका बच्चा जरूर रिस्पॉन्ड करेगा, और अगर वो हल्का सा भी रिस्पॉन्ड करता है देन डू नॉट मिस टू सेलिब्रेट दैट मोमेंट। उसको अप्रिशिएट करना है, उसके लिए क्लैप करना है, उसको आप स्टार दे सकते हैं, स्माइली दे सकते हैं, उसके हैंड पर ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर उसकी कोई फेवरेट टॉय या फेवरेट चीज, उसको हमेशा मोटिवेट करिए बोलने के लिए, या फिर थोड़ा सा भी बहुत अच्छे से नहीं बोल रहा है थोड़ा सा रिस्पॉन्स को भी जरूर सेलिब्रेट कीजिए। आपका प्यार, आपकी एक प्यारी सी हग उसके लिए हीलर की तरह काम करेगी, उसको हील करने में हेल्प करेगी, उसको मोटिवेट करेगी और आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगी। इनिशियल साउंड्स हो सकता है मीनिंगफुल ना हो, डजंट मैटर, इन नॉन मीनिंगफुल साउंड्स को भी आप मीनिंगफुल बना सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट विद क्लोज फैमिली मेंबर रिलेशनशिप्स। जैसे आपने माँ माँ सिखाया, तो आप हम संयम के लिए करते थे एक फ्लैश कार्ड, बड़ा सा एक कार्डबोर्ड के ऊपर एक बड़ी सी प्रिंट आउट हमने पिक्चर्स का निकाला था, और मेरी, भूषण की, संयम की दादी की, इस तरह हमने घर के फैमिली मेंबर्स की पिक्चर्स उस पर पेस्ट करके उस पर हम प्रॉम्प्ट करते थे संयम को ये सिखाने के लिए कि ये कौन है। इनिशियली वो ये भी रिकॉग्नाइज नहीं करता था हुज मम्मा हुज पापा, तो इस तरह हमने उसको कनेक्ट करना सिखाया। जैसे पापा की पिक्चर पर पा 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 पा, ता दी, मा 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 मा, इस तरह से आप एग्जैजरेटेड साउंड के साथ पॉइंट करते हुए जब उन पिक्चर्स पर फिंगर पॉइंट करेंगे और साथ में इस तरह से बोलेंगे तो बच्चा कनेक्ट करने लगेगा। एक तो वो पॉइंटिंग सीखेगा और बच्चा कनेक्ट करने लगेगा कि रिलेशनशिप क्या है। डू नॉट फॉरगेट, एक बच्चे की पिक्चर भी आप पेस्ट करके उसके साथ उसका नाम भी जरूर बोलिए, ये संयम है, संयम, और फिर उसकी तरफ उसका हैंड उसकी तरफ लेकर संयम, पिक्चर में संयम, इधर संयम। इस तरह बच्चा अपने आप को भी कनेक्ट कर पाएगा, रिलेट कर पाएगा, ये उसका नाम है, ये मम्मा है, ये दादी है, ये पापा है। ये इनिशियल साउंड्स कब आप इसको मीनिंगफुल साउंड्स में कन्वर्ट होकर आपको इतना जॉय देने वाले हैं जिसका आपको आई गेस अनबिलीवेबल जॉय मिलेगा आपको, जैसे हमें मिला था जब पहली बार संयम पापा और मम्मा बोला था। तो डू नॉट लूज हो, और ये कॉन्स्टेंट एफर्ट्स आपको करते रहने हैं ताकि ये साउंड्स आप जल्दी ही सुन पाए अपने बच्चे के मुंह से। सो डोंट एक्सपेक्ट ओवरनाइट रिजल्ट्स बिकॉज इट मे टेक सम टाइम, हैव पेशेंस एंड गो स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है कि बच्चे का पहला शब्द लाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़े, बच्चे को भी बहुत मेहनत करनी पड़े, लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार जब पहला शब्द आ जाएगा उसके बाद चीजें ज्यादा स्पीड से प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएंगे। सो हैव फेथ बिकॉज फेथ कैन मूव माउंटेंस। सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।